हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस स्किन इफेक्ट। जैसा कि नाम त्वचा से प्रभाव, जो ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर काम में लिया था, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट का थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया में यूनिफॉर्म होता है इन केस ऑफ डीसी सप्लाई। बट इन व्हेन यू अप्लाई द एसी सप्लाई द करंट डज नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड बट कंसनट्रेट नियर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मीन्स आपका करंट आउटर साइड में फ्लो होता है, नो करंट फ्लोज थ्रू द कोर इन केस ऑफ एसी इफेक्ट। हैंस द इफेक्टिव एरिया ऑफ कंडक्टर इज रिड्यूस एंड इंक्रीज द एसी रेजिस्टेंस। मीन्स द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो नियर द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज द स्किन इफेक्ट। यानी आपकी एसी सप्लाई में जो करंट होता है उसकी टेंडेंसी हो जाती है सरफेस पे फ्लो होने की, सेंटर एरिया में यानी कोर पे करंट फ्लो नहीं होता है। इसको कहते हैं स्किन इफेक्ट, यानी त्वचा का त्वचीय प्रभाव, जिसमें आपका करंट आउटर सरफेस पे ही मैक्सिमम डेंसिटी होती है करंट की। इसका कारण क्या है कि आपका जो कोर एरिया होता है कंडक्टर का, इसको आप अलग अलग लेयर्स पे कंसेंट्रिक लेयर में मान सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो इनर होता है कंडक्टर लेयर्स, वो उसमें इंडक्टेंस क्या होगा, लार्ज, क्योंकि सराउंडेड में ज़्यादा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड से कंसेंट सराउंडेड रहेगा तो ज़्यादा इंडक्टेंस होगा, और आउटर सरफेस का इंडक्टेंस कम होता है तो क्या होगा, तो ये अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट करेगा, तो उससे करंट आपका आउटर सरफेस पे फ्लो होने लग जाएगा, टेंडेंसी या एक्यूमुलेट हो जाएंगे, करंट फ्लो होगा आउटर सरफेस में। और डीसी में क्योंकि इंडक्टेंस जीरो होता है इसलिए तो आपका करंट है वो यूनिफॉर्मली फ्लो होता है। द स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मेटेरियल, फ्रिक्वेंसी, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, क्या चार चीज़ों पर निर्भर करता है। स्किन इफेक्ट स्टैंडर्ड कंडक्टर में स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड कंडक्टर, होलो कंडक्टर में स्मॉल होता है, कॉपर में लेस होता है एज कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम। अब सेकंड द फेरांटी इफेक्ट। द फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है कि ये आपका एक्सप्लेन किया गया है फिगर के द्वारा, इसमें ये आपका ट्रांसमिशन लाइन को समझाया गया है। जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन एट नो लोड होती है या लाइटली लोड पे होती है तो जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर, वो वी एस से ज़्यादा हो जाता है जब एट नो लोड। हियर दिस इज फेरांटी इफेक्ट इज एक्सप्लेन बाय द फेरांटी साइंस इज फेरांटी बाय वेक्टर डायग्राम, ड्राइंग द वेक्टर डायग्राम टेक एज ए वी आर एज ए रेफरेंस वेक्टर, वी आर एज ए रेफरेंस वेक्टर। हियर द करंट, सिंस हिदर हियर करंट विल बी जीरो, हैंस द करंट आई एस विल बी इक्वल टू आई सी, मीन्स हियर आपका वोल्टेज होगा वी आर, तो इसमें कैपेसिटर में करंट फ्लो हो रहा है आई सी, तो आई सी विल लीड दिस वोल्टेज वी आर बाई 90 डिग्री। ये आपका करंट लीड कर रहा है आई सी बाई वी आर 90 डिग्री, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई आर दिस विल बी दिस वन, एंड जो रिएक्टेंस में ड्रॉप होगा इंडक्टेंस में वो होगा आई सी एक्स एल। दिस हैंस बाई वेक्टर डायग्राम द टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया वो लाइक दिस वन आई जेड, एंड हैंस दिस विल बी द वी एस विल बी द वी एस विल बी द वेक्टर सम ऑफ वी आर प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन दिस पोर्सन मीन्स आई जेड। हैंस बाय एज यू नो और एज यू सी द वी एस द लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ द वी एस इज लेस देन वी आर। मीन्स इन मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन when open circuited or at light load the receiving end voltage is greater than sending end voltage, and this phenomena is known as Ferranti effect. The rise in the voltage at receiving at the open circuit length load line is called the Ferranti effect. Due to charging current IC on a 300 line VR arise, yani receiving end voltage 5% zyada ho jata hai VSK. Isko compensate karne ke liye लाइन शंट रिएक्टर्स आर प्रोवाइडेड इन ट्रांसमिशन लाइन एट नो लोड एंड लाइट लोड।